हेलो दोस्तों, तो आज हम बना लेते हैं झटपट इतना चटपटा नाश्ता, हल्का फुल्का, जब आप लोगों को सुबह का नाश्ता करना हो या बच्चों के लंच में देना हो। तो देखिए, एक लिए हैं बड़ा वाला मिक्सी का जार, और इसमें देखिए एक कटोरी से थोड़ा कम है, छोटा कटोरी है। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए सूजी, इसको झटपट बनाना है दोस्तों, टाइम नहीं है, नहीं तो इसे फूलने के लिए रख देते हैं। दो हरी मिर्च लिए हैं, स्वाद के अनुसार नमक, एकदम बिना तेल मसाले का झटपट बनाएंगे, और छोटे चम्मच दही डालेंगे। आप कोई कप गिलास सेट कर सकते हो, और जिस कटोरी या कप से आपने सूजी डाला है, जितना डाला है उतना ही पानी डालेंगे। देखिए उसी कटोरी से जितना सूजी डाला है उतना हम पानी डाल के इसे मिक्सी के जा इसको सेट करके 2-3 बार चला लेते हैं। देखिए इस तरह का है, इसी तरह का चाहिए, ज़रूरत पड़ेगा तो आधा कप पानी इसमें और ऐड करेंगे। देखिए जब तक हम टॉपिंग बनाते हैं इसमें डालने के लिए, तब तक ये फूलेगा अपना। अब हम आलू का स्टफिंग बना लेंगे थोड़ा सा। आप कच्चे में भी प्याज मिर्ची मसाला डाल के बना सकते हो, लेकिन थोड़ा भून के बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम गैस देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई हो गया है गर्म, तो हम इसमें 1 चम्मच के करीब डालेंगे सरसों तेल। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो, तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए अब आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे यहाँ पे। झटपट सुबह का समय है दोस्तों, 5 बज रहे हैं अभी। मैं स्कूल में ले जाने के लिए लंच बना रही हूँ। देखिए 2 हरी मिर्च डालेंगे। आप हरी मिर्च भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं या एक ही डाल सकते हैं। प्याज डालेंगे, एक प्याज है बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए प्याज को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, और यहाँ पे गैस कम कर दिए हैं, और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। आप हमने हरी मिर्ची भी डाला है, वो हिसाब से आप डालिएगा। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देते हैं, भून लेंगे इनको। आधी छोटी चम्मच नमक भी इसी में डाल देंगे, मसाले के साथ भून लेंगे। अगर आपके बच्चे चटपटा खाते हैं तो आप यहाँ पे केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टमाटर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। हम नहीं डाल रहे हैं दोस्तों, तो मैं आलू डाल देखिए। कद्दूकस करके या मैश करके डाल दें, डुबा ले हैं यहाँ। अच्छी तरह आलूओं को हम भून लेंगे। नमक मैंने डाल रखा है, आप यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड कर सकते हो, हमारे पास नहीं है दोस्तों, तो मैं इसी तरह बना रही हूँ। बस इनको भून के निकाल लेंगे, तब तक हमारे बच्चे भी रेडी हो गए हैं दोस्तों। तो जल्दी जल्दी अब ये तैयार है, अब हम इन्हें उतार लेते हैं। देखिए टॉपिंग तो हमने तैयार करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। देखिए ये सूजी का इस तरह है, इतना पतला है, मैंने आधा कप पानी और मिलाया है इसमें, क्योंकि हमें पतला ही चाहिए। अब देखिए चुटकी भर हम इसमें खाने वाला सोडा डालेंगे, आप इनो भी डाल सकते हो, और जब बनाना हो तभी डालिएगा। थोड़ा सा मिला लेते हैं। देखिए गैस पे हमने तवा चढ़ा लिया है, इसमें 2 बूंद तेल डालेंगे बस, हमें थोड़ा सा ही तेल डालना है। आँच को हम धीमा रखेंगे, और इसको सारे पे तेल को पहले फैला लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, ये आप तय कीजिएगा। इसको एक बार मिला लेते हैं। देखिए अब इसको डालेंगे, मैं लंच में देने के लिए अभी बना रही हूँ, तो छोटा छोटा ही बना रही हूँ। फैला लेते हैं, और आँच को धीमा रखेंगे, और इसे 1 मिनट तक सिकने देते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं
तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉस डालेंगे, देखिए किस तरह डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले सॉस डालिएगा, उसके बाद चम्मच की सहायता से इसे फैला लीजिएगा। आप चाहे तो आधे में हरी चटनी और आधे में सॉस फैला सकते हैं। अगर बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो आपको तंदूरी सॉस, जो पिज्ज़ा का फ्लेवर देना हो तो जो सॉस मन करे वो लगा लीजिएगा, हरी चटनी भी लगा सकते हैं। बस अब इधर से जाले निकलने लगे हैं, तो हमने जो टॉपिंग ठंडा होने के लिए रखा है उसे हम देखिए एक तरफ इस तरह दबा के डाल देंगे। एक ही तरफ लगाएंगे, आधे में ही, आधे में नहीं लगाएंगे, इस तरह आधे में अच्छी तरह फैला लेंगे। अब हमारे नाश्ता सिक्के हो गए हैं तैयार, तो हम इन्हें पलट लेते हैं। देखिए आसानी से पलट जाएंगे, थोड़ा जल गए हैं दोस्तों, देखिए हम पलट लेते हैं। इस तरह दबा दबा के आँच हम धीमा ही रखेंगे और इसे पलट लेंगे। ये आसानी से हो जाते हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनते हैं। आप इन्हें यहाँ से कट करके भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा छोटा ही बनाया है। और एनर्जी से भरा नाश्ता सुबह के भागम भाग में आप ये झटपट बना के रख सकते हैं। देखिए हमारा नाश्ता इस तरह तैयार हो गया। मैं इसी तरह और बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों इसी तरह हम सारे बना लेंगे। देखिए दो बूंद तेल में मज़ेदार नाश्ता तैयार है, हल्का फुल्का बिना तेल का हेल्दी और टेस्टी भी नाश्ता। तो इस तरह बना के ज़रूर खाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और बना बना के अपने बच्चों को ये हेल्दी हेल्दी नाश्ता ज़रूर दीजिएगा। तो हम सारे इसी तरह बना के निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए चटपटे हेल्दी बिना तेल मसाले का नाश्ता तैयार है। देखिए ये थोड़ा सा जला हुआ है, लेकिन देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं नाश्ता। तो इस तरह हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता ज़रूर बनाइए एक बार, अपने बच्चों को भी खिलाइए और हल्का फुल्का सुबह का नाश्ता में कीजिए नाश्ता। तो तैयार है आपका चटपटा नाश्ता। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।